नमस्कार दोस्तों, गोरखा जिनसे मौत भी डरती है और कहा जाता है कि एक गोरखाली 100 पर भारी पड़ता है, और इसी का प्रूफ देता है एक नेपाली गोरखा। यूं तो गोरखास की दुनिया भर में बहादुरी की बहुत सारी मिसालें, पर कुछ तो बिल्कुल चौंका देने वाली है और बिल्कुल इम्पॉसिबल सी लगती है, लेकिन फिर भी ये 100% सच है। आज भारत में अग्निवीर जैसी स्कीम्स लाई गई है जिसमें 4 साल के लिए सिर्फ सर्विंग दे सकते हैं आर्मी में, जिसके चलते कोई भी नेपाली गोरखा जाना नहीं चाहता इंडियन आर्मी की गोरखा बटालियन में। और शायद गोरखास की ये बहादुरी की दास्तां सुनकर मूड बदल जाए। आज से पहले तक भारत में गोरखास ने बहुत सारी जंगों में बहुत कारनामे कर दिखाए, और अब गोरखास का इसमें इंटरेस्ट खत्म होना कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि कोई बहादुरी का दूसरा नाम हो सकता है तो वो गोरखास ही है। और आज के चर्चा का एपिसोड नेपाल के ही रहने वाले गोरखा का है, जो कि वेस्टर्न नेपाल के बीमा गांव में रहते हैं, लेकिन अब वो इंग्लैंड के एस्पोर्ट कैंट में रहते हैं, और इनको वहां पर बुलाया जाता है रैम्बो गोरखा के नाम से। और ऐसा क्यों है ये आपको इनकी स्टोरी से पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर ही दिखाया कि उनका नाम रैम्बो गोरखा रखा गया। दूसरी रैम्बो गोरखा ब्रिटेन के गोरखा राइफल्स के एक्टिंग सर्जेंट थे, और ये अपनी सर्विस अफगानिस्तान के एक प्रोविंस हेलमंड प्रोविंस में दे रहे थे, और जहाँ पर वो अपनी यूनिट के 2 मंजिला कंपाउंड यानी कि एक आर्मी बेस में थे जो कि बाबा नाम की जगह पर था। फिर 17 सितंबर 2010 की रात उनकी आर्मी बेस में जितने भी सैनिक थे वो पेट्रोल करने निकलते हैं, पर आर्मी कंपाउंड और बेस में सिर्फ रखा जाता है रैम्बो गोरखा को और उनके साथ 3 और लोगों को जो कि उस कंपाउंड की सुरक्षा के लिए थे, और बाकी आर्मी मैन निकल गए थे पेट्रोलिंग करने कमांडर के साथ। तभी उनको कुछ टिकलिंग सी आवाज सुनाई दी, कुछ खोदने की जैसी। पहले उनको लगा कि कोई मवेशी या फिर कोई जानवर होगा जो कि ऐसी हलचल कर रहा होगा, लेकिन उस चीज की पड़ताल पूरी रैम्बो गोरखा ने की, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उनको कुछ गतिविधि दिखी। तभी वहां दिखे 2 आदमी जो कि जमीन में गड्ढा खोद रहे थे, और वो असल में IED बॉम्ब प्लांट कर रहे थे चेक गेट के पास। जैसे ही रैम्बो गोरखा ने उन दोनों को देखा, देखते ही देखते वहां पर और सारे तालिबानी आने लगे, लेकिन शायद ये तालिबानी इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब ये बटालियन पेट्रोल करने जाएगी उनके बेस पर, उनके कंपाउंड पर हमला करके उनके सारे हथियार लूट लेंगे। और तभी रैम्बो गोरखा ऊपर रूफ से निगरानी कर रहे थे, उन्होंने तुरंत अपने कमांडिंग लीडर को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बताया कि ऐसी सिचुएशन है, और अकेले ही लग गए अपनी पोस्ट अपनी कंपाउंड को बचाने के लिए। वो समझ गए कि सिचुएशन अब वर्स्ट होने वाली है, और वो फुल प्लानिंग के साथ यही करने आए थे, लेकिन सामने गोरखा था। रैम्बो गोरखा पुल ने तभी अपनी पोजीशन ली और रूफ पर चले गए, जहां पर कई सारे तालिबानी उस कंपाउंड को और उस पोस्ट को घेर के रखे थे। आप खुद ही समझ सकते हैं कितना ज्यादा खतरनाक था। कुछ तालिबानी उनसे 50 फीट की ही दूरी पर थे और वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। अभी रैम्बो गोरखा लगा कि आज मौत तो निश्चित है, लेकिन मैं इन सभी को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तालिबानियों के पास थी AK-47 जैसी खतरनाक बंदूकें, साथ साथ रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड जो कि RPG के नाम से भी जाना जाता है, और उसी से वो अटैक कर रहे थे जो कि बड़े धमाके करता था। हर तरफ से उनके ऊपर गोलाबारी की जा रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे थे और उनको जवाबी कार्रवाई में उनको आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे थे, और यही था एक गोरखाली का खून। शायद और कोई होता तो वहां पर भाग खड़ा होता, लेकिन ये चीज ना कोई ट्रेनिंग सिखा सकती है ना ही कोई हथियार कर सकता है। ये अंदर से ही आने वाला वो जुनून है, वो निडरता है जो कि गोरखास में पाई जाती है। फिर उन्होंने देखा तालिबानियों का एक झुंड उनकी ओर बढ़ रहा था, तभी उन्होंने मशीन गन उठाई और तालिबानियों को भूनना शुरू किया। कुछ इधर से उधर हो गए और कुछ वहां पर मौत की नींद हमेशा के लिए सो गए। रैम्बो गोरखा कभी इधर से आतंकियों को मारते तो कभी उधर से। फिर उन्होंने देखा कि एक आतंकी छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तब उन्होंने अपनी SA-80 राइफल निकाली और उसको शूट करने की कोशिश की, लेकिन हुआ पता नहीं क्या कि वो चली ही नहीं, या तो उसकी मैगजीन खत्म थी या तो वो जैम हो गई थी, और यहाँ पर हथियार ने भी धोखा दे दिया। आप सोच सकते हैं सिचुएशन कितनी खतरनाक थी। तब उन्होंने समझदारी दिखाते हुए सैंड बैग फेंका, कि वही बोरे होते हैं जो कि आर्मी पोस्ट पर लगे रहते हैं और एक दीवार का काम करते हैं, तो उसी सैंड बैग को उन्होंने फेंकने की कोशिश की, लेकिन उससे भी कुछ काम बना नहीं। फिर उन्होंने देखा पास में मशीन गन का ट्राइपॉड पड़ा था जो कि काफी हैवी होता है। उन्होंने उस ट्राइपॉड को लिया और वहीं पर उसके मुंह पर दे मारा, और नेपाली में बोला मार चूते नहीं, यानी कि आई विल किल यू। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनके सारे हथियार लगभग खत्म हो चुके थे और वो सब कुछ इस्तेमाल कर चुके थे, और 2 तालिबानी अभी भी अटैक कर रहे थे, और उनके लिए उन्होंने क्लेमोर माइन लगा दी। और तभी उसी समय उनकी कंपनी के कमांडर मेजर शॉन चंद्रेल आ गए और सभी तालिबानी इधर उधर हो गए, और तब तक बचे हुए तालिबानी भाग खड़े हुए थे। आपको बता दें कि ये मुठभेड़ करीबन 20 मिनट तक चली। 20 मिनट तक उन्होंने अपनी यूनिट की जगह को बचाए रखा और कई सारे तालिबानियों को भून के रख दिया, और इनको लेकर कई सारे आर्टिकल भी छपे जहाँ पर लिखा था कि एक ऐसा गोरखाली जिसने 30 तालिबानियों को अकेले ही ढेर किया।
और देखते ही देखते उनकी बहादुरी पूरी दुनिया में फेमस हो गई। आपको बता दें कि उन्होंने 250 मशीन गन के राउंड फायर किए, 180 SA-80 गन के राउंड फायर किए, साथ साथ 6 फॉस्फोरेट ग्रेनेड, 6 नॉर्मल ग्रेनेड, 5 अंडर स्लंग ग्रेनेड लॉन्च किए और 1 क्लेमाइन का यूज किया और इतने सारे तालिबानियों को ढेर कर दिया और 20 मिनट तक उन सभी से लड़ते रहे, जो कि शायद ही कोई और कर सके और ये नियर टू इम्पॉसिबल लगता है। आपको बता दें कि पुन ने इतनी बहादुरी का परिचय दिया, साथ साथ 3 और लोगों की जान भी बचाई जो कि इस समय पोस्ट में मौजूद थे। बहादुरी के लिए उनको बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें सबसे बड़ा अवार्ड उनको ब्रिटेन में कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री क्रॉस मिला, जो कि विक्टोरिया क्रॉस के बराबर ब्रिटेन में दर्जा रखता है। पर आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इनको विक्टोरिया क्रॉस क्यों नहीं दिया गया, तो आप लोग बता दें कि 1993 के बाद विक्टोरिया क्रॉस उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि आर्मी की सर्विस करते हुए या तो शहीद हो जाते हैं या तो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नेपाली दीप प्रसाद पुन यानी कि रामबो गोरखा को एक भी गोली नहीं लगी, साथ साथ वो कोई बहुत ज्यादा घायल नहीं हुए थे, लेकिन हाँ उनको कुछ घाव जरूर आए थे और इसीलिए उनको विक्टोरिया क्रॉस नहीं मिला, पर कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री अवार्ड जरूर मिला, जो कि उसी के बराबर का सम्मान होता है और इसको पाने के लिए भी उतनी ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको बता दें कि पुन को ये अवार्ड क्वीन एलिजाबेथ ने दिया और अवार्ड देते हुए उन्होंने पूछा भी कि क्या आपने सच में ट्राइपॉड से एक दुश्मन को मारा था, तो उनका जवाब आया यस, यानी कि हाँ। और ये चीजें सुनकर क्वीन एलिजाबेथ उनको ऊपर काफी प्राउड हुई और बोला कि वी आर प्राउड टू हैव सच अ ब्रेव मैन इन आवर आर्मी। दोस्तों अवार्ड के बाद रामबो गोरखा ने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं जीता कि मैं ताकतवर था या फिर मेरे पास कुछ स्पेशल पावर थी, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जीता क्योंकि मुझे अपनी लाइफ की कोई भी परवाह नहीं थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और ऐसा कुछ एक गोरखा के मन में ही आता है। तभी कहते हैं कि अगर आप मौत से नहीं डरते हो तो या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो आप गोरखा हो, और ये ताकत कहीं ना कहीं सिर्फ गोरखा के खून में है, इसको कोई ट्रेनिंग या फिर कोई मशीन या फिर कोई हथियार नहीं कर सकता। दोस्तों आपको बता दें कि 2007 में भी दीप प्रसाद पुन ने अफगानिस्तान में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो कि बटालियंस के साथ लड़ी हैं, और उसमें उन्होंने करीबन 22 आतंकियों को एक ही दिन में मौत के घाट उतारा था, लेकिन वो उस समय अपनी यूनिट के साथ थे तो उसके लिए कोई अवार्ड नहीं मिलता। आपको बता दें कि उनको कंस्पेसियस गैलेंट्री क्रॉस के अलावा 2011 में प्राइड ऑफ ब्रिटेन का अवार्ड भी मिला था, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर एंड्रू फ्लिंटॉफ और सिंगर मॉडल मिडिल क्लास ने उन्हें दिया था। और अगर कोई बहादुर गोरखा किसी आर्मी में हो तो दुश्मन का वैसे ही मनोबल नीचे हो जाता है। आज भारत में अग्निवीर जैसी योजना के चलते नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी में नहीं रिक्रूट हो रहे, जिससे कहीं ना कहीं असर भी पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि नेपाली गोरखा की भारत आर्मी में ज्वाइन करना और अग्निवीर जैसी योजनाओं पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है।